बडीज वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो रेसिपी है मेरी एक फ्रेंड अनुश्रुति ने मेरे साथ शेयर की है। सो चलिए बनाते हैं परवल की मिठाई। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। परवल की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बड़े साइज के परवल। स्टफिंग बनाने के लिए 1 कप खोया, 1 कप शक्कर, 2 से 3 बड़े चम्मच आलमंड्स के फ्लेक्स, थोड़े से सजाने के लिए चेरी, 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ काजू, 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ किशमिश, 2 पिंच बेकिंग सोडा और थोड़े से इलायची पाउडर और लास्ट में हमें चाहिए थोड़े से रोज वाटर। सबसे पहले हमें परवल के स्किन को स्क्रैप करना है। आप चाहे तो एक नाइफ के हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग पील कर देंगे तो परवल का एक लेयर चला जाएगा और इसका क्रंचीनेस खत्म हो जाता है। ये मिठाई बनाने के टाइम आपको और एक चीज भी ध्यान में रखना है कि ज्यादा पका हुआ परवल ना लें। अभी हम लोग इसमें एक कट लगाएंगे। पूरा कट नहीं लगाना है, आपको सिर्फ एक ही साइड में कट लगाना है। इसके बाद हमें इसे हल्के हाथों से ओपन करना है। अभी एक स्पून के बेक साइड के हेल्प से परवल का सारा बीज अच्छे से निकालना है। परवल की मिठाई बनाने के लिए ये बीज निकालना वाला स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक भी आपको बीज मिठाई में मिल जाएगा तो मिठाई का सारा टेस्ट बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही आपको सारे परवल के बीज निकालना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सारा कैसे क्लीन है। बीज निकालने के बाद सारे परवल को अच्छे से धो लें। अभी हमें अप्रॉक्स 2 बड़े ग्लास पानी को अच्छे से उबालना है। पानी जब गुनगुना हो जाए तो उसमें हमें 2 पिंच बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से मिला देना है। बेकिंग सोडा के वजह से हमारा परवल क्रंची रहता है और इसमें डिस्कलरेशन नहीं होता है। परवल डालने के बाद इसे हमें हल्के हाथों से प्रेस करना है ताकि हमारा परवल अच्छे से कुक हो जाए। परवल को ढक के 5 से 10 मिनट तक इसे हमें कुक करना है। परवल को बीच बीच में चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें परवल एकदम क्रंची चाहिए। इसके बाद हम लोग और एक स्टेप फॉलो करने वाले हैं, जिसमें हम परवल को फिर से शुगर सिरप में पकाएंगे। इसीलिए यहाँ पे परवल को हमें सिर्फ 80% पकाना है। दस मिनट के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा परवल एकदम रेडी हो गया है और बेकिंग सोडा के वजह से ये वैसे ही ग्रीन कलर का ही है। तो अभी हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल के साइड में रखेंगे। अभी हम ये बॉयल परवल को एकदम आइस कोल्ड वाटर में डाल देंगे ताकि कोई फर्दर डिस्कलरेशन ना हो। और अभी ये परवल को साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। नेक्स्ट हम इस मिठाई का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप करने वाले हैं, जो कि है शुगर सिरप। इसके लिए मैं 1 कप शुगर ली हूँ और उसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑफ वाटर। अच्छे से मिलाना है और फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम टू लो में ही रखना है। 4 से 5 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा शक्कर एकदम ही पानी में घुल गया है और हम थोड़ा सा इसमें स्टर कर लेंगे। ये मिठाई बनाने के लिए हमें 1 तर वाली चाशनी की जरूरत है और यहाँ पे 10 मिनट में ये बनके तैयार है। अभी हम ये जो परवल रखे थे अपने आइस कोल्ड वाटर में, इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि अंदर कोई एक्सेस वाटर ना रहे, और इसके बाद इसको हम डायरेक्टली शुगर सिरप में ऐड कर देंगे। 1 तार वाली चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लग गया और इसका रेसिपी हमेशा 1:1/2 का रेशियो में ही जाता है। सारा परवल जब एक बार चाशनी में आ जाए तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे।
5 मिनट के बाद इसको हमें दूसरे साइड से पलट के अच्छे से कुक करना है। एक बार हो जाए तो फिर से ढक्कन लगा के और 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा शुगर सिरप रिड्यूस्ड हो गया है और हमारा परवल एकदम पक के तैयार है। अभी हम ये सारे परवल को एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे। अभी हम इसके लिए एक स्टफिंग बनाएंगे। सबसे पहले एक कप खोया लेंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। खोया को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर होने तक इसको थोड़ा सा हल्का फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के बाद हमारा मावा एक डो के फॉर्म में आ गया है और अभी हम इसको निकाल के एक साइड में रख देंगे। एक मिक्सिंग बॉल में अभी हम ये भुना वाला मावा ऐड करेंगे। इसके साथ बारीक कटा हुआ काजू, बारीक कटा हुआ किशमिश, एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ आमंड्स। अभी ये सारे मिक्सचर को अच्छे से हमें मिला देना है। अच्छे से मिलाने के बाद अभी मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स का रोज वाटर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि सारा ड्राई फ्रूट्स मावा और रोज वाटर एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए। अभी हम ये सारे परवल को स्टफिंग से फिल कर देंगे। और आपको यहाँ पे और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा स्टफिंग ना दे, नहीं तो परवल फटने का चांसेस रहता है। अभी यही प्रोसेस में सारा परवल को अच्छे से स्टफ कर देंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सारा परवल अच्छे से स्टफ्ड हो गया है। सजाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ स्लाइस्ड आलमंड्स ऐड कर रही हूँ ऊपर से और थोड़े से बारीक कटा हुआ काजू से सजा रही हूँ। आप चाहिए तो आप आपके मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ सजा सकते हैं। और लास्ट में मैं यहाँ पे एक एक चेरीज ऐड कर रही हूँ टॉप में। और यहाँ पे हमारा परवल की मिठाई एकदम बनके तैयार है। सो है ना, ये बहुत ही इजी और डिलीशियस सी मिठाई। तो आप ये मिठाई को कोई भी ओकेजन में बना के एंजॉय कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं ये रेसिपी का क्रेडिट अनुश्रुति को देना चाहती हूँ, एज बिकॉज ये उसी का ही रेसिपी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले मेरे चैनल्स की सारे नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड।